हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट को या ब्लॉग को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट देखने को मिलता है। जैसे मेरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ नीचे से ऊपर तक मैंने सभी जगह पे लगा कर रखा है। तो नीचे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीन जगह पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने सेम चीज़ लगा दिया है, तो आप यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी एडिटिंग बताऊंगा, तो उससे पहले मैं इसे रिमूव करके भी आपको दिखा देता हूं, और रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे सीख भी ले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने ब्लॉग पे। ब्लॉग पे आने के बाद यहां थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, और फ्रेंड्स यहां पे लेआउट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे रिमूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये लेटेस्ट न्यूज़ मैंने फर्स्ट में लेटेस्ट न्यूज़ लिख दिया था, तो इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये मैंने लगाया था, तो आप भी जब लगाएंगे तो इसे रिमूव करना होगा, तो आप सिंपली इस तरह से रिमूव कर लेंगे। यहाँ नीचे वाला भी लगा हुआ था, तो इसे हम सिंपली रिमूव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, मैं आपको वहाँ पे लेजर क्लियर दिखा दूंगा कि कहीं पे भी अब जो स्क्रॉलिंग था वो हट जाएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ रिमूव पे सिंपली क्लिक करते हैं, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और सिंपली रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो यहाँ से ये रिमूव होकर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने सभी को हटा दिया, अब कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ ब्लॉग पे, और यहाँ पे अभी तो देख सकते हैं आ रहा है, बट थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब आप देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं आ रहा है, सारा का सारा जो है तो हट गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे लगाएंगे कैसे, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक ठो लिंक प्रोवाइड किया है, ये वाला लिंक आप देख सकते हैं, ये वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें अभी तो मेरा लिंक लगा हुआ है, आप डायरेक्ट अगर इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो मेरा लिंक आ जाएगा, बट अगर आप अपना लिंक लगाना चाहते हैं तो उसे कैसे करना है, तो सिंपली ये डाउनलोड अप कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, ये पेंसिल वाला, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे नीचे से मैं शुरू कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे लगा होती है एच टी जो लिखा होती है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, पूरा प्रेस करेंगे, तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है एक ही बार में, आपको कुछ करना नहीं होगा, सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम का पेस्ट कर देना है। इसी तरह से ट्विटर का है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे रोकेंगे, होल्ड करेंगे, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट कर लेना है। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है, आपको इसे हिलाना डुलाना नहीं है, बस सिंपली इस तरह से प्रेस करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर किसी और चीज़ का लगाना चाहते हो, तो जैसे मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है माई ट्विटर अकाउंट, तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ का लगाएंगे वो लिख लीजिएगा, तो इस तरह से आपको लिख देना है और इसका लिंक आपको दे देना है। आप चाहते हैं कि सिर्फ ये लिखा हुआ आए और ये उस पर क्लिक करने के बाद खुले ना, तो आप यहाँ पे लिंक नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से करके रखा हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फ्रेंड्स इसे पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट फोर वाला जो है यहाँ पे फोर लिंक का स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, तो इसे पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे देखते हैं ब्लॉगर में। ब्लॉगर पर आने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा और लेआउट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लेआउट पहले से खोल कर रखा हूँ, तो इसे रहने देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे साइड बार राइट ए का जो है, तो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे आप देखे थे जो ये फॉलोअर्स जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा था, तो यहीं पर वो वाला आएगा साइड ए। तो यहाँ पे हम सिंपली ये वाला जो ऐड गैजेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे HTML JavaScript जो आ रहा है, तो इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप टाइटल में जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ लिख सकते हैं या सोशल, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना लिख लीजिएगा जो भी लिखना चाहे। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इस वाले अपने ब्लॉग पे, जहाँ पे व्यू करता है, मतलब आप देखने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसे रिफ्रेश कर देंगे। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आ गया मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पे ये हिंदी में हो गया, मैं इंग्लिश कर देता हूँ इसे, सिंपली ये रहा। ठीक है, तो अभी आप ऊपर में देख सकते हैं आ चुका है। ठीक है, ये तो फर्स्ट मैंने चार लिंक वाला दे दिया, अब दूसरा ले चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मन से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट में सबसे ऊपर वाला आ जाइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, आप जितना जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो इसे आपको कॉपी कर लेना है, पूरा का पूरा यहां से कॉपी कर लीजिए और इसे नीचे तक लेकर आ जाइए। ठीक है, यहां पे ये वाला देख सकते हैं आ गया। अब यहां पे सिंपली आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर से आपको आ जाना है अपने ब्लॉग पे, और यहाँ ब्लॉग पे आ गए। अब यहाँ पे आपको लेआउट पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं, नीचे लगाना चाहते हैं, ऊपर लगाना चाहते हैं, तो साइड बार ऊपर वाले के जस्ट नीचे वाला जो था, यहाँ पे ये वाला जो देख सकते हैं फेसबुक का जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये सोशल साइट मेरा जो दिख रहा है, उसके नीचे जो स्पेस एड स्पेस जो दिख रहा है उसके बीच में लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये है साइड बार राइट बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे HTML जावा पे क्लिक कर देना है, ये आ गया। टाइटल में अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, कॉन्टेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे सिंपली ये वाला पेस्ट कर दीजिए जो भी आप वहाँ से लेकर आए हैं। अब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा टाइप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट का जस्ट बाद टेक्स्ट का टी जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पर आइएगा और इसे यहाँ से मिटा दीजिएगा, जहाँ तक टाइप लिखा हुआ है तो पूरा टाइप को आपको मिटा देना है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिख लेना है जो भी लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्लीज। ठीक है,
प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये सटा हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे, पूरा का पूरा कहानी लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा कहानी आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आप जितना टेक्स्ट चाहे डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ टाइटल में आप उतना ही लिख पाएंगे जितना आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट न्यूज़ लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तब तक के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ, यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली यहाँ पे अगर आप लिंक देना चाहते हो तो लिंक भी दे सकते हैं, बट ऐसे ही सही है, लिंक मैं नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सेव करते हैं। अब ये सेव वाला जो ऑप्शन नीचे में दिख रहा है, इस पर सेव पे क्लिक कर दिए तो अपग्रेडिंग आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग अपडेटेड हो गया। अब आप चलिए ब्लॉग पे, ब्लॉग पे आने के बाद सिंपली इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, तो ये रिफ्रेश हो गया। अब नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, और यहाँ पे नीचे में लिख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर आप अपने पोस्ट में लगा, मतलब इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब नीचे वाला में भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे में आ रहा था तो उसे भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो देख सकते हैं स्क्रॉलिंग लेफ्ट सेक्शन, लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे, जो भी लगाना चाहे टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वाला, तो उसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको, ये हो गया नीचे वाला साइड बार के लिए या टॉप नेविगेशन के लिए, तो ये इन चीज़ों के लिए हो गया। मगर आप चाहते हैं किसी पोस्ट में लगाना, मतलब जो पोस्ट आप यहाँ पे किए, तो देख लीजिए मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ कोई भी पोस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं जो इस पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, तो मैं अभी आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आ जाइएगा ब्लॉग पर, यहाँ पर ये वाले थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सारा का सारा पोस्ट जो है आपका ये दिखने लगेगा। अब जिस भी पोस्ट में आप लगाना चाहते हो उस पोस्ट को सिंपली ओपन कर लीजिएगा। तो पोस्ट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी पोस्ट में आप लगाना चाहते हो। चलिए मैं इस वाले में लगा देता हूँ, तो इसे ओपन कर दिए। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकन आ रहा है इस पर सिंपली आपको टैप करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे HTML व्यू का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लगाना है इसे, ठीक है, या बीच में जहाँ पर भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल टैप कर देंगे, दो तीन बार टैप कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद ऊपर करते हैं, और फ्रेंड्स जो वहाँ से कॉपी किए थे तो मैंने यहाँ पे लिंक वाला जो कॉपी किया था मैं उसे ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इसमें मेरा YouTube का, Facebook का, सभी चीज़ का लगा हुआ है, चार ठो लिंक मेरा लगा हुआ है। तो इसे कर लेंगे, देन यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू कंपेजर व्यू कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं ब्लॉग पे, ब्लॉग पे चलने के बाद यही वाला मैंने ओपन किया था, तो इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेश मैं कर देता हूँ, और ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। ऊपर में आप देख सकते हैं ये चल रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, टेक्स्ट जो है स्क्रॉल कर रहा है, माई फेसबुक पेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से जो जो मैंने यहाँ पे दिया, अब इस पर अगर कोई क्लिक करता है, इस तरह से क्लिक करेगा तो मेरा यहाँ पे फेसबुक का आईडी का मैंने लिंक दिया था, तो मेरा आईडी खुल कर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आईडी खुल कर आ गया। इसी तरह से यूट्यूब का, अगर कोई यूट्यूब पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब खुल कर आ गया, और मेरा चैनल खुल कर आ जाएगा, वहाँ पे मैंने अपने चैनल कर दिया था। तो इस तरह से सिंपली आप जो भी यहाँ पे ओपन करेंगे, जिस भी लिंक पे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जिस भी लिंक पे, यहाँ पे देख सकते, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे करके दिखा देता हूँ, और यहाँ से मेरा इंस्टाग्राम ओपन होकर आ गया। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, 10,000 कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के सपोर्ट से। तो इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप सब यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। और फ्रेंड्स आपको जो मैंने लिंक दिया है तो आप उसे सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके आप सेव करके रख लीजिएगा। तो इससे होगा कि आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो तो इसे आप यूज कर पाएंगे, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा, अपना यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, आप सेव करके उसे रख लीजिएगा। सिंपली मैं इसका लिंक दे दूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे खुलकर आ जाएगा। आपको भी इसी जैसे खुल जाएगा जैसे यहाँ पे खुला हुआ है, तो आप सिंपली यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टूटल आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।